मनीषा मौन, परिचय की मोहताज नहीं। मनीषा बताओ कैसी तैयारी चल रही है? हमारी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है। अभी पटियाला में हमारा कैंप था तो ये कैमरा सही नहीं हो रहा, देखो तो काफ़ी देर कट रहा था, हाँ सिर कट रहा था। हमारी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है। आफ्टर नेशनल चैम्पियनशिप हम हमारा फोकस वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए ही है, तो अभी जो 5 डेज हमारे बचे हैं, अभी हमारी स्पायरिंग वगैरह कुछ हो रही है आउट ऑफ कंट्री के साथ हो रही है, हमारे वेट कैटेगरी के साथ, तो प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी है और होपफुल कि हम मेडल के हकदार होंगे। घर में हो रही है, कितना प्रेशर है अपने घर में? हमारी कंट्री में हो रही है तो प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, और ये प्रेशर आप सबकी ब्लेसिंग जो है वो उनको तोड़ सकता है, तो कीप ब्लेसिंग अस। किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ मनीषा? अभी मेरा जो फोकस था वो स्टेमिना पर थोड़ा ज़्यादा था, और मेरे को लगा पिछली चैम्पियनशिप में कि स्टेमिना और थोड़ा पावर की वजह से मैं लॉस हुई, तो अभी काफ़ी अच्छा उन पर काम मैंने किया है, तो अभी मैं अच्छा कर पाऊँगा। संभावना क्या है यहाँ पर देखें किस तरह? अभी संभावना देखेंगे मनीषा को। अभी मैं कहना चाहूँगी कि सभी लोग काफ़ी अच्छी तैयारी में हैं, तो होपफुल कि हम मेडल लेके ही आएंगे इंडिया के लिए। टफ कौन सा कंपटीशन होगा? टफ कंपटीशन मेरा इटली, फिलीपींस और फ्रांस के साथ रहेगा, क्योंकि ये लोग ओलंपिक मेडलिस्ट हैं और मैं भी वर्ल्ड ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ, तो इनके साथ मेरा कंपटीशन काफ़ी अच्छा रहेगा। वर्ल्ड चैंपियनशिप आप डर चुकी हैं, देख चुकी हैं, वहाँ का माहौल देख चुकी हैं, वहाँ स्टैंडर्ड क्या होता है? जाहिर सी बात है इसके लिए कुछ अलग करना होगा, और अपने घर में है जाहिर सी बात है, यहाँ अपने दर्शक भी होंगे मनीषा, एक्सपीरियंस भी आपके पास है, तो आपने जो अपोजिट आपके जो हैं उनको देख के कैसे तैयारी की, उनके वीडियोज़ देखे, कैसे तैयारी आपने की है? उनकी तैयारियाँ तो जैसे कंपटीशन हमें मिले हैं तो उनके साथ हमारी स्पायरिंग वगैरह होती थी, तो उनमें पता चल जाता था कि मेरी गलती क्या कहाँ रह रही है, किस वजह से मैं उससे मार खा रही हूँ, तो इन सब चीज़ों को इम्प्रूवमेंट करके ही हम नेक्स्ट कंपटीशन के लिए रेडी हुए हैं, तो उनके लिए अब हमारा इतना उनके लिए पता है कि हमें कैसा हमारा फाइट उनके साथ जाएगा कैसा नहीं जाएगा, तो एफर्ट लगाने की जरूरत है वो हम लगाएंगे। थोड़ा सा अपने बारे में बताएं हमारे दर्शकों को, हमारे जो श्रोता है जो सुनने और देखने वाले, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। मैं मनीषा मौन 57 kg में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और मैं गांव मटोर हरियाणा कैथल जिले से हूँ, और मेरे कोच श्री राजेंद्र कुमार जी, गुरमीत जी और विक्रम डुल जी हैं जिनके सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, और मेरे माता पिता का भी काफ़ी सहयोग रहा है, जो दिन भर मेरे को घर जाने के लिए कभी उनसे मिलता ही नहीं है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ करके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। अच्छा मनीषा, कब आप बॉक्सिंग आपने ज्वाइन की, कब से आप बॉक्सिंग कर रही हैं? मैं 2011 से बॉक्सिंग कर रही हूँ, और जो मेरी स्टार्टिंग परफॉर्मेंस के बेस पे हुई थी वो 2018 में हुई थी, और काफ़ी अच्छा रहा है मेरा अभी बॉक्सिंग का जो चल रहा है। एशियन चैम्पियनशिप में मेडल मैंने जीता है ब्रॉन्ज, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल जीता है, और वर्ल्ड कप की मैं चैम्पियन बनी हूँ, तो काफ़ी सारे एक्सपीरियंस भी हैं और काफ़ी सारे अचीवमेंट्स भी हैं, तो अभी मेरे को और इंडिया के लिए कुछ करना है। कोई संघर्ष का दिन इन बीच में जो आपकी जर्नी रही है, कोई ऐसा वक्त आया हो लगा नहीं यार अब नहीं हो? अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप से पहले ही, एक हफ्ते पहले की बात है, मैं काफ़ी बीमार चल रही थी, और काफ़ी मेरे को बुखार, फीवर, मतलब इतना कुछ हो गया था, तो मेरे को लग रहा था कि जैसे नहीं खेल पाऊँगी, पर होपफुली मैं ठीक हूँ और मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। कोई ऐसा मलाल, कोई ऐसी चैम्पियनशिप, कोई ऐसा जो आप नहीं कर पाई हो जो करना चाहती हो? ये मेरा अभी 2020 में ऑपरेशन हुआ था राइट एल्बो का, तो उसमें ओलंपिक चूक गई थी मैं 2020 की, तो वो सफ़र मेरे लिए बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है। मनीषा का रोल मॉडल कौन है? मेरा रोल मॉडल वैसे इंडिया में तो मेरे कैथल से ही मनोज कुमार बॉक्सर हैं, और उनको देख के ही मैं बॉक्सिंग में आई थी, और उन क्योंकि वो कॉमनवेल्थ के टाइम पे जब वो खेल रहे थे तो उनको देख के ही मैं आई थी, और वैसे जो आउट ऑफ कंट्री है वो लोमाचेंको है फ्रॉम यूक्रेन। शौक क्या क्या मनीषा के, क्या और शौक बॉक्सिंग के अलावा और क्या कुछ करती हैं आप? बॉक्सिंग के अलावा डांसिंग और थोड़ा घूमना फिरना। गाना गाना नहीं गा। खाना बनाना? खाना बनाना बना लेती हूँ सारा। क्या बना लेती है खास? खास तो चाय। अच्छा मनीषा, एक सवाल पैदा होता है, बहुत सारे लोग पूछते हैं, हम इंडियन जब विदेशों में जाते हैं अलग अलग तरह के खाने होते हैं, खानों को कैसे मैनेज आप करती हैं, वहाँ कोई परेशानी ऐसी होती है या कोई ऐसा वक्त ऐसा हुआ हो जो बताना चाहें? मेरे को सबसे ज़्यादा
प्रॉब्लम मेरे को ही होती है क्योंकि मैं वेज हूँ, कभी मैं नॉनवेज खाती नहीं, तो मैं तो अपनी टी अपने इंडिया से लेके जाती हूँ, चाय पत्ती और सब अदरक वगैरह सब मैं जुगाड़ वहीं पे लेके जाती हूँ, और चाय से या ब्रेड से अपनी पूर्ति करती हूँ खुद की खाने की, और या फ्रूट से, क्योंकि नॉनवेज मैं खा नहीं पाती और कुछ ज़्यादा खास अच्छा बाहर मिलता भी नहीं है। आप खाने में क्या ज़्यादा यूज़ करते हैं, एक मुक्केबाज को क्या क्या यूज़ करना चाहिए अगर कोई मुक्केबाज बनना चाहे, खासतौर से कोई लड़की? खाने में तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो बॉक्सर्स खाते हैं, फ्रूट्स वगैरह या प्रोटीन के लिए कुछ चीज़ें होती है, नॉनवेज होता है मैक्सिमम तो, और वेज भी होता है, बट मेरी जो डाइट है वो मैं चाय पे टिकी हुई हूँ क्योंकि मुझे चाय बहुत ही ज़्यादा पसंद है। चाय नुकसान करती है, आप चाय पीते हैं? क्योंकि शुरू से ही मैं चाय लवर हूँ, तो बचपन से ही मैं चाय पीती थी, तो अभी भी जैसे खाना भी पहले प्रैक्टिस करते थे, दो रोटी और चाय पी और बस ख़त्म, तो ऐसे ही होता है मेरा नॉर्मल खाना पीना जो है, नॉर्मल ही है जो देसी खाना होता है हमारे घर का। आखिरी सवाल पूछूंगा, मैसेज क्या होगा लड़कियों के लिए जो बॉक्सिंग करना चाहती है मनीषा? बॉक्सिंग के लिए मैं कहना चाहूँगी कि सभी लड़कियाँ हिम्मत मत हारें और आगे निकलने के लिए कम से कम अपने अंदर से जो है वो शुरुआत करें, और आपकी शुरुआत देश का नाम रोशन कर सकती है। धन्यवाद। दिल क्या कह रहा है, यहाँ पर क्या होगा दिल्ली में? दिल्ली में मेरे को मेहनत हमारी 100% है और होप मैं अच्छा ही करूँगी, और आप सबकी ब्लेसिंग्स मेरे ऊपर बनाए रखना। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।